नमस्कार सभी देशवासियों को, मेरी आप सभी से एक विनती है। मेरा नाम अंतिम पंगाल है। मेरा अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और अभी जो 2023 में सीनियर एशिया चैंपियनशिप हुई तो वहाँ पे भी मेरा सिल्वर मेडल आया था। और जो ये एशियन गेम्स की ट्रायल हो रही है वो ट्रायल में 53 किलो बाल वर्ग में विनेश दी को डायरेक्ट भेजा जा रहा है, जबकि उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, कोई भी अचीवमेंट नहीं है उनकी पूरी पिछले एक साल से, ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की है, इंजरी में है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, फिर भी उनको डायरेक्ट भेजा जा रहा है। जब पिछले साल कॉमनवेल्थ की ट्रायल मेरी उनके साथ हुई थी तो 3 दिन से मेरी उनके साथ बाउट हुई थी। जब भी मेरे साथ चीटिंग हुई तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं एशियन गेम्स के लिए अच्छा करूंगी, वहां से मैं ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप से। इस बात से तो बोल रहे हैं कि विनेश जी को डायरेक्ट भेजा जाएगा, ये थोड़ी होता है। मैं इतना तो नहीं, अभी एशियन गेम्स में जाएंगे फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वही जाएगा, फिर बोल रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जाएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा साथ दीजिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए, जैसे आपने उनका साथ दिया था आप मेरा भी साथ दीजिए विनेश जी का। जैसे अब हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा है वो भी प्रैक्टिस, वो भी मेरे लिए इतना, वो गांव छोड़ के हिसार में रहने के लिए आए हैं, इतना ज्यादा वो कर रहे हैं मेरे लिए। मैं भी इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतने साल से कर रही हूँ, क्या मैं छोड़ दूँ पहलवानी? इतने दिन से मैंने प्रैक्टिस की है, इतनी जी जान से मैं प्रैक्टिस कर रही थी और अभी बोल रहे हैं कि भाई सीधा डायरेक्ट भेजेंगे तो मेरे जैसी लड़की क्या करेंगी? मैं ये नहीं बोल रही मेरे साथ वाउट कराओ विनेश जी की, मैं बोल रही हूँ कि सब लड़कियाँ, बहुत लड़कियाँ ऐसी जो विनेश जी को हरा सकती है, बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि एक साल प्रैक्टिस ना करे तो बच्चा कितना हो जाता है। ये नहीं है कि वो एक साल अच्छा रहा तो वही अच्छा रहेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरे साथ दीजिए, हम जैसे लड़के क्या करेंगी? मेरे भी अभी सब कुछ बाकी, अभी मैं 4 साल इतने साल प्रैक्टिस की, इसके बाद में 4 साल तो मेरे पास क्या रह जाएगा, क्या वो रहेगा? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मुझे इतना बता दो कि मैं विनेश जी को किस अचीवमेंट में भेजा जा रहा है, कौन सी अचीवमेंट ऐसी है जो उनके लिए भेजा जा रहा है? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती हूँ, प्लीज मेरा साथ दीजिए।